हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे और आज हम जा रहे हैं वृंदावन वहाँ की जन्माष्टमी एक्सप्लोर करने। आपको पता ही है वहाँ की जन्माष्टमी कितनी अच्छी सेलिब्रेट होती है, तो चलिए मेरे साथ यूं ही बने रहिए, आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो चलिए फिर चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है शिवांकर और आप देख रहे हैं SBT स्टोरीज। फ्रेंड्स, अगर आप बाय ट्रेन वृंदावन जा रहे हैं तो आपको मथुरा की टिकट लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक वृंदावन में स्टेशन नहीं बना है। और आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से तो बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी। आप अपने सूटेबल टाइम के हिसाब से ट्रेनें ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट ट्रेनें मथुरा होते हुए जाती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर मैं आपको आगे जर्नी दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने जिस ट्रेन की टिकट बुक करी है उसका नाम है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्वर्णजयंती सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 1264, जो निजामुद्दीन चलती है 5:10 पर और आपको मथुरा जंक्शन उतारती है 6:40 पर। इसका जो डिस्टेंस है वो है 134 किलोमीटर और ये 1.5 घंटे में आपको मथुरा उतार देती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी टाइम हुआ है 4:30 और मेरी ट्रेन है 5:10 की। तो चलिए ट्रेन को आने दीजिए और फिर आपको आगे की जर्नी दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, देखिए। फ्रेंड्स, ट्रेन आ चुकी है, मैं आपको इसकी कॉस्टिंग के बारे में बता देता हूँ। मैंने जो सीट बुक करी है वो है स्लीपर क्लास में, मेरा कोच नंबर है S3 और मेरा सीट नंबर 62 अपर। इसका कोई काम नहीं है क्योंकि 1.5 घंटे की सफ़र है, आपसे बात करते करते निकल जाएगा। और मुझे ये टिकट पड़ी है 175 रुपीज़ की। चलिए ट्रेन का टाइम होने दीजिए और फिर आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, हो चुका है हमारी ट्रेन का डिपार्चर अपने करेक्ट टाइम पर। ये देखिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। फ्रेंड्स, चल चुकी है ट्रेन, अभी सीधा मथुरा जंक्शन पे इसका हॉल्ट है, बीच में इसका कोई हॉल्ट नहीं है। और बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मुझे ट्रेन के सफर में बहुत मजा आता है और खासकर रात के सफर में। फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं मथुरा जंक्शन। पे अपने करेक्ट टाइम पर। अब यहां से एग्जिट करता हूं और फिर वृंदावन के लिए करना चुनता हूं और फिर आपको आगे मिलता हूं। फ्रेंड्स, मैं स्टेशन से बाहर निकल के आया, बट मैंने पता किया वहां पर कोई ऑटो वगैरह नहीं जा रहा वृंदावन तक, क्योंकि भीड़ की वजह से, जाम की वजह से सब कुछ बंद कर रखा है, तो बस से जाना पड़ेगा। तो मैंने वहां से ई रिक्शा लिया नए बस स्टैंड के लिए, मथुरा स्टेशन से नए बस स्टैंड के लिए मैंने रिक्शा लिया, उसने 20 रुपये लिए। अब मैं नए बस स्टैंड पर आया हूँ, यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ से बस लेता हूँ, देखते कौन सी बस मिलती है, कितने की मिलती है, आपको आगे बताता हूँ। वृंदावन के लिए ये बस मिली है मुझे, इसमें 2500 सवारी है, आपको वृंदावन छोड़ देगी। और इसमें भीड़ देगी, कितनी भीड़ है अब यहीं से अंदाज़ा लगा लो आगे क्या होने वाला है। हाँ, यही
फ्रेंड बस ने मुझे यहाँ पर उतार दिया, यहाँ से आगे नहीं जा रहे, ये आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ से आप आगे जाएंगे तो प्रेम मंदिर आ जाएगा 300 मीटर की दूरी पे, यहाँ से अंदर बस नहीं जा रही आगे, तो चलिए आगे चलते हैं। फिर मैं आ चुका हूँ वृंदावन और आपको बता दूँ यहाँ पर छोटे बड़े मिला के 5000 मंदिर है, तो सारे मंदिर घूमना पॉसिबल तो है नहीं, तो आपको मैं कुछ कुछ मंदिर घुमाऊँगा, मेन मेन मंदिर। चलिए चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर। फ्रेंड सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ बांके बिहारी मंदिर, ये देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ हो चुकी है। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल बंसी वाले की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल बंसी वाली गोपाल की जय, से बाहर अब थोड़ा ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर आपको निधि मन लेके चलूंगा। फ्रेंड्स ये लस्सी कचौड़ी जरूर ट्राई करें, यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है। फ्रेंड्स इससे पहले आपने देखा बांके बिहारी मंदिर, अब मैं आपको लेके आया हूँ निधि वन, तो चलिए अंदर चलते हैं। मैं निकला चलाओ नहीं चलते रहिए चलते रहिए, खड़े नहीं होना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। फ्रेंड्स यहाँ के लोग बताते हैं कि श्री कृष्ण श्री राधा और उनकी गोपियाँ सूरज ढलने के बाद इस निधि वन में ही आके रासलीला रचाती हैं। जब सूरज ढल जाता है तो इसके मंदिर के आसपास निधि वन के आसपास जितने भी घर वगैरह हैं उन सब के दरवाजे खिड़कियां बंद हो जाते हैं और फिर रात में यहाँ पर आज भी रासलीला रचाई जाती है। वृक्ष के अंदर कोई जात नहीं। राधा रानी की जय। आप
बता कहाँ खड़े हो? यहाँ रास हुआ था और रास कैसा हुआ कि एक रात 6 महीने तक रही थी। क्या रही थी? एक रात 6 महीने दिन नहीं लग रहा, रास होता रहा। अब ये गोपियाँ रास करते करते जब थक गई तो भगवान से बोली हमको प्यास लगा है। तो कृष्ण क्या बोला कि आप यमुना जी जाइए। गोपियाँ बोली यमुना जाएंगे तो आप यहाँ से कृष्ण चले जाओगे। तो ललिता सखी ने कृष्ण की बांसुरी लिटार के कृष्ण की कमर में से जमीन में मार दी। अब यहाँ से जल लेकर के आया तो 6 महीना तक इन गोपियों ने पानी जो पिया था वो यहाँ से पिया। तो कुंड का नाम बांसुरी कुंड पड़ गया। फ्रेंड्स मैं कर चुका हूँ निधि वंश एग्जिट, अब आपको यहाँ से दूसरे मंदिर लेके चलूंगा। फ्रेंड्स इससे पहले आपने देखा निधि वन, अब आपको लेके आया हूँ श्री राधा वल्लभ जी महाराज मंदिर। तो चलिए अंदर चलते। ये फ्रेंड्स श्री राधा वल्लभ जी मंदिर। कर चुका हूँ फ्रेंड्स राधा वल्लभ मंदिर से एग्जिट, अब आपको लेकर चलता हूँ यमुना घाट पर। फ्रेंड्स ये है यहाँ का वृंदावन का यमुना घाट, ये जो आपको नाव दिख रही होंगी ये आपसे पर पर्सन 20 रुपये लेती है और आपको एक चक्कर लगा के नदी का वापस ला के यहीं पे छोड़ देती है। और अगर आपको यहाँ पर सारे घाट देखने तो कुल मिला के यहाँ 5 या 6 घाट है, तो ये एक बंदे से 50 रुपये लेते हैं और सारे घाट का चक्कर लगवा के आपको वापस यहीं पे लाके छोड़ देते हैं।
मैं तो यार देखूं ना वो कहां उतर के कितना दे रहा है दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स ये ब्लॉग यहाँ पे खत्म होता है। वैसे दो एक दो मंदिर और है बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में दिखाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी टाटा बाय बाय।